लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो इनबिल्ट बैटरी होती है उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले इसकी टेप निकाल लेंगे। टेप निकालने के बाद में सबसे पहले इसको वोल्टेज चेक करते हैं। आउटपुट इसकी ये देख रहे हैं आप कितनी दिखा रहा है, 2.983 इन वोल्टेज के आसपास आ रही है। क्या करेंगे अब इसकी टेप निकालने के बाद में इसकी प्लेट को ओपन करेंगे आसानी से, आराम से खोलेंगे इसे, अंदर के पॉइंट ना रोक ना पाए। अब इसके इंटरनल वोल्ट चेक करेंगे जो बैटरी से आ रहे हैं डायरेक्ट, जो मतलब सेल से आ रहे हैं। तो देख रहे हैं आप ये 4 वोल्ट दिखा रहा है और वहाँ पे दिखा रहा था 3, इसका मतलब प्लेट में फॉल्ट है इसकी। इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका एक पॉइंट हटा लेंगे बैटरी का, चेक करने के लिए एक पॉइंट हम इसका हटा लेंगे। जैसे ये वाला है, ये हट गया एक पॉइंट अलग, ये हट गया अलग, दिख रहा है ये हट गया अलग। अब क्या करेंगे, अब हम इसका नेगेटिव पॉइंट हटाया मैंने इसका, तो इसे चेक करेंगे, मीटर को लगाएंगे हम लीड पे, और जो हमारी बैटरी का प्लस पॉइंट होता है वो होती है डायरेक्ट सप्लाई, और जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो होती है हमारी चेक कर लेंगे, ये तो आ रहा है डायरेक्ट। इस वाले में फॉल्ट है हमारे में नेगेटिव पॉइंट में, इसको हम क्या करेंगे, इसके एक हम जम्पर लगा देंगे, इसको नेगेटिव पॉइंट को जो है वापस इसके हम पेस्ट करेंगे, इसे वापस हम इस पर सोल्ड कर देंगे प्लेट को। पॉइंट इसका सोल्ड कर दिया हमने, अब हम इस पर सबसे पहले इसे क्या करेंगे, हम माइनस वाले पॉइंट को भी डायरेक्ट कर देंगे इस पर, क्योंकि ये जो हमारे जो इसके कंपोनेंट होते हैं बैटरी वाले वो तो आपको मिलेंगे मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे, या तो आपके पास में इसकी प्लेट पड़ी हो तभी हो पाएगा, और अगर नहीं है आपके पास में सबसे सिंपल तरीका आपको बता देते हैं इसका क्या करना है। हमें प्लस तो हमारा डायरेक्ट होता है, हमें इसे माइनस वाले को भी डायरेक्ट इस पे इसे भी हम डायरेक्ट दे देंगे इससे। प्लस वाला डायरेक्ट था वैसे ही हम इसे भी डायरेक्ट कर देंगे। ये क्या करते हैं, हम मान लो जब हमारा सेट ना तो चार्जिंग ले रहा है और ना तो इस बैटरी से चार्ज हो रहा है और ना ही ऑन हो पा रहा है, बैटरी जो है पूरे वोल्टेज दिखा रही है 4, फिर भी सेट को ऑन नहीं कर पा रही है, तो इसको हम क्या करेंगे डायरेक्ट कर देंगे माइनस वाले पॉइंट को भी, इसे हम बंद करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको मैं रख देता हूँ साइड में और ये बैटरी में इसके लगा के चेक करता हूँ। बैटरी लगाऊंगा मैं फोन में, ये लगा दिया मैंने इसमें, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऑन करूँगा, मैं इसको ऑन करता हूँ सेट,
उसी बैटरी से। अभी भी नहीं हो पा रहा है। एक बार मैं इसका जरा चेक कर लेता हूँ कि वोल्टेज आए हैं पूरे या नहीं। आउटपुट बाहर दिखा रहा है, अभी भी यह नहीं दिखा रहा है। इसको मैं कैसे चेक करूँगा? पहले मैं इसको लगाऊंगा इसकी वोल्ट पे और फिर मैं इसको करूँगा चेक। तो ये हमारा अभी भी नहीं दिखा रहा है यहाँ पर, देखो। ठीक है, मतलब ये पत्ते में कुछ फॉल्ट है इसमें। हम इस पत्ते को चेक करते हैं।